हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। लास्ट क्लास में हम माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़े थे, आज की क्लास में माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट का स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का माइक्रो एनवायरनमेंट एक पार्ट है। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये सब हमारा माइक्रो फैक्टर्स है जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से और बहुत बिग पार्ट में उसको इम्पैक्ट पकाते हैं। जो माइक्रो फैक्टर होता है, जो माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर होता है, जैसे कि कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया और इंटरमीडियरीज हो गए, ये सब छोटा सा पार्ट इम्पैक्ट पकाते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। वहां से जैसे कि कोई एक हमारा कस्टमर चला गया, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, वो चला गया, तो हमारा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारा प्रोडक्शन के ऊपर, हमारा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर और हमारा बिजनेस के ऊपर। जैसे कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ तो चेंजेस आ जाएगा, कुछ चेंज, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट रिसोर्सेस होता है वो शॉर्ट हो जाएगा, रिसोर्सेस शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो हमारा कंपनी आगे रन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि और माइक्रो फैक्टर जो भी होता है वो बहुत सारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पकाते हैं हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारा बिजनेस के ऊपर। ओके, सो आज के क्लास में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होता है, जैसे कि इकोनॉमिक एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक हमारा एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। जैसे कि देखो, इसको क्या कैसे हमारा जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको कैसे अच्छे से अलोकेट करना है, कैसे अच्छे से अलोकेट करना है, वो हमारा एक बिजनेस का सबसे बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। जैसे कि रिसोर्सेस को हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और हाउ टू प्रोड्यूस, और कैसे प्रोड्यूस करना है और फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन जो हमारा जो बिजनेस है वो हमारा टारगेट कौन होगा, कौन कस्टमर हमारा टारगेट होगा, उसको कैसे हम वो, ये जो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हाउ टू प्रोड्यूस, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को एनालिसिस करने का पड़ेगा, मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दो तो ये जो बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड आप लोग सब देख रहे हो, ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके पास जो मटेरियल होगा, जैसे कि ये जो व्हाइट हो गया, ये जो साइड ये हो गया, और इसमें जो लगा हुआ है, जो बैक में जो लगा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है, उसको कैसे वो प्रोड्यूस करेगा, किसको रिक्वायर है, हम जैसे टीचर को रिक्वायर है, आप जैसे स्टूडेंट को रिक्वायर है, उनके हिसाब से उनको क्या जरूरत है, वो कौन सी काम में आ सकते हैं, उसी को क्या करने का पड़ेगा, मार्केट को जाके वो एनालिसिस करेगा, मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, करने के बाद एज पर द कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर फाइनल करेगा कौन सा कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, उसी हिसाब से वो डिजाइन करेगा, डिजाइन करने के बाद रिसोर्सेस को एलोकेशन करेगा। ये उसका मिल गया है कि तरीका मिल गया, उसके एक तरीका मिल गया कि जो उसके पास जो रिसोर्सेस है उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करने के लिए। फिर और एक क्वेश्चन उसके मन में आएगा, जैसे कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, और हमारे पास क्या है, लेबर है या कैपिटल है या टेक्नोलॉजी है, क्या है, टेक्नोलॉजी है तो इसका मतलब कैसे करना है, हमारे पास ज्यादा लेबर हो जाए होगा तो हम ज्यादा लेबर यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेबर होगा तो क्योंकि वहां पर जो वेजेस होगा, जो सैलरीज होगा वो कम होगा, जितना लेबर फोर्स ज्यादा रहेगा उतना सैलरी हो या वेजेस हो कम रहेगा, और कैपिटल ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे लेस ऑफ लेबर हो जाएंगे। जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया में क्या होता है ना, लेबर ज्यादा होता है, मतलब हमको पीपल इजी से बहुत पीपल मिल जाएगा हम काम करने के लिए, तो उनको जितने कम भी लेबर दो ना, लेबर चार्जेस दो ना, वो काम कर लेंगे। तो बट यूएस में क्या होता है ना, उसका वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वहां पर ज्यादा लेबर मिलता है, वहां पर क्या होता है, जो भी लोग है उनके पास कैपिटल ज्यादा है, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए जो कंट्री के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, जो टेक्नोलॉजी आ गया हमारे पास, उसको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है, लेबर टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। जो लेबर ज्यादा हो तो लेबर को ज्यादा रखेंगे, कैपिटल को कम रखेंगे, और कैपिटल ज्यादा हो तो कैपिटल को ज्यादा रखेंगे और लेबर को कम रखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा
ये तो प्रोड्यूसर में हो गया, रिसोर्सेस को एलोकेशन हो गया, रिसोर्सेस को प्रोड्यूस हो गया, फिर हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? वो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आ गया उसको जो कंज्यूमर देखेंगे, कंज्यूमर देखेंगे, कंज्यूमर फाइनल हो गया। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते, एक इनकम के हिसाब से, कंज्यूमर का कितना इनकम है उसी हिसाब से, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनकम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं तो हमारे पास कितना रिसोर्सेस है, हम कितना जो जो रिसोर्सेस है वो मार्केट को कैसे छोड़ सकते हैं वो देखेंगे, अवेलेबल रिसोर्स, अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस वो देखेंगे। देखो इनकम के हिसाब से देखेंगे और रिसोर्सेस के हिसाब से देखेंगे। हो गया, हमारा जो प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस में हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्निक, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे वो टेक्निक फाइनल करेंगे, पर होम टू और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे और कौन हमारा कंज्यूमर हो जाएगा वो, ये तीनों हमारा यहाँ पर फाइनल करना था, वो हो गया। ओके, ये इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उसके इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर जाएंगे। देखो हम जब इकोनॉमिक एनवायरमेंट स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्या क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाएगा और इकोनॉमिक कंडीशन आएगा, ये सब आएगा, बहुत सारा चीज आएगा। देखो इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप का होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, देखो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या आएगा, इसमें भी 3-4 टाइप्स का आ जाएगा। जैसे कि हमारा इंडिया कौन सा इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और चाइना कौन सा इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। हाँ, एक आएगा कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट। ओके, ये हो गया क्या, कम्युनिस्ट हो गया, सोशलिज्म हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, फ्री मार्केट हो गया। फ्री मार्केट को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो भी कैसे हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है क्या, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, मिक्स सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर आ सकता है। ओके, ये सेक्टर आ सकते हैं। देखो इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे तो क्या, कम्युनिस्ट आएगा, सोशलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, फ्री इकोनॉमी का, फ्री इकोनॉमी को फर्दर डिवाइड करेंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों को मिलाकर आ जाएगा मिक्स सेक्टर और आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, देखो इकोनॉमिक पॉलिसी में, हमारा क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे और पीजी में भी पढ़े होंगे हम सब, पॉलिसी में आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, फिस्कल पॉलिसी आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगा और एग्रीकल्चर पॉलिसी आएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो एग्जिट पॉलिसी होता है वो भी आ जाएगा और फॉरेन पॉलिसी कुछ आ जाएगा। ये सब बहुत सारा पॉलिसीज है इकोनॉमिक पॉलिसी में आ जाएगा जो कि एक एनवायरमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट पकाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी तो पढ़ेंगे, वो हमारा इसमें है और बैंकिंग है ये और अदर चैप्टर्स में भी है, और रह गया फिस्कल पॉलिसी वो तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एग्जिम पॉलिसी, ये जो 4-5 है उसको हम इसमें कवर करेंगे। और कंडीशन, कंडीशन में क्या आता है, कंडीशन में आता है हमारा पर कैपिटा इनकम आएगा, नेशनल जीडीपी आएगा और स्टेट जीडीपी आएगा और आएगा इन्फ्लेशन आएगा, डिफ्लेशन आएगा
और इकोनॉमिक कंडीशन आ जाएगा, ये सब जो आएगा वो इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाएगा। ओके, शायद समझ में आ गए, आगे जाएंगे, आगे चलते। देखो ये चारों हम देखेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, कम्युनिस्ट पढ़ेंगे, सोशलिस्ट, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट देखेंगे। ओके, हटा देता हूँ। जल्दी 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 हटाओ। ओके, देखो क्या आएगा, कैपिटलिस्ट। फर्स्ट हम देखेंगे कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को टू टू पार्ट कर लेते हैं। क्या देखेंगे, कैपिटलिज्म देखेंगे। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिस्ट, इसको हम डिवाइड करेंगे तो सी ए कैपिटल ओनर्स, ओनर्स कैपिटल ओनर्स को हम क्या कैपिटलिस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, जिसके पास कैपिटल है, मतलब जिसके पास फाइनेंस है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, वो उसको उसके हिसाब से उसको एलोकेट करेगा, इसलिए यह हो गया कैपिटल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट की पास बात ही नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगा, सिर्फ उसको क्या चाहिए, उसको टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसको टैक्स चाहिए। वो जो कैपिटल इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्ट करेगा, जितना भी इन्वेस्टर होंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टर रहेंगे उतना टैक्स मिलेगा, और उतना टैक्स मिलेगा तो वो गवर्नमेंट को चला सकता है। यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारा बहुत इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। देखो ये हो जाएगा फ्री मार्केट, हो जाएगा फ्री मार्केट, हो जाएगा यहाँ पर प्राइस, हाई प्राइस, हाई प्राइस आ जाएगा, सॉरी हाई प्राइस आ जाएगा, और आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब क्या रहेगा, जितने इन्वेस्टर रहेंगे उनको फ्री मार्केट मिलेगा, उनके बीच में क्या आएगा, कंपटीशन आएगा, कंपटीशन आएगा। ओके, और आएगा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर आ जाएगा, और मोर मोर कंपटीशन आ जाएगा, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टर्स, कंट्रोल बाय इन्वेस्टर्स, बाय इन्वेस्टर्स। ओके, रिसोर्सेस आर कंट्रोल बाय इन्वेस्टर्स, फ्री मार्केट रहेगा, हाई प्राइस रहेगा, प्रॉफिट मोटिव रहेगा, कंपटीशन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर रहेगा, ये सब आ जाएगा कैपिटलिज्म में। उसका इसका मतलब जिसके पास जितना कैपिटल है वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनके बीच में बहुत सारा कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगा, अच्छा जब प्रोडक्ट मिलेगा कंज्यूमर, उसके हिसाब से कंज्यूमर यहाँ पर क्या होता है ना, फ्री टू चूज बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर उसके हिसाब से चूज करेगा कौन सा प्रोडक्ट वो परचेज करेगा और कौन सा प्रोडक्ट वो छोड़ देगा। ओके, ये हो गया उसका क्या हो गया, बहुत सारा एडवांटेजेस हो गया एडवांटेजेस हो गया, और उसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या आएगा, प्रोवाइड ओनर्स कैन गिव मोनोपोली, जिसके पास जितना क्या रहेगा, जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा वो मोनोपोली कर सकता है। अरे स्पेलिंग बोल गया क्या, क्या मोनोपोली हो गया। यहाँ पर आएगा हाई प्राइस भी, जो लो मिडिल स्टैंडर्ड में जो पीपल होते हैं, जिसके पास ज्यादा इनकम नहीं होता, वो क्या होता है, हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट जो होता है वो परचेस नहीं कर पाएगा, तो क्या आएगा, प्रेशर आ जाएगा, हाई प्रेशर ऑन कंज्यूमर।
और कंज्यूमर यहाँ पर कंप्लेन भी, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन बाय कंज्यूमर्स। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो मार्केट मार्केट जो जो प्रोडक्ट रहेगा मार्केट के प्राइस वो जो इन्वेस्टर वो फिक्स करेगा, नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड एंड सप्लाई। ओके यहाँ पर क्या आएगा, नो डिमांड नो सप्लाई आ जाएगा। समझ में आ गया क्या होता है कैपिटल कैपिटलिज्म? शायद कैपिटलिज्म आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैपिटलिज्म में होता है सोशल बेनिफिट यहाँ पर ओवरलुक किया जाता है, सोशल सोशल बेनिफिट ओवरलुक। ओके एजुकेशन के ऊपर भी बेनिफिट कोई नहीं रहता, एजुकेशन नो एजुकेशन नहीं, लेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर ऊपर ही यहाँ पर क्या होता है ना, कोई फोकस नहीं होता है। ओके इनइक्वालिटी इन इनकम, इनकम यहाँ पर इनइक्वालिटी हो जाता है, इनकम इतना हो गया। देखो कैपिटलिज्म क्या होता है ना, जहां पर कि जितने कैपिटल रहेगा कैपिटलिस्ट रहेगा तो प्राइवेट ओनर्स रहेंगे वो यहाँ पर उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता, गवर्नमेंट का क्या मतलब रहता है, सिर्फ टैक्स रहता है, जितना टैक्स उसको मिलेगा वो उसी से खुश हो जाएगा। और यहाँ पर जो रिसोर्सेस होगा, जो जितने इन्वेस्टर जो उसको परचेज कर लिया तो वो उसी के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेगा और उसी को हिसाब से वो प्राइस करेगा, वो उसके हिसाब से उसको प्रोड्यूस करेगा, प्राइसिंग करेगा, जो जहां मन पड़ेगा वो वहां पर जाकर सेल करेगा और हाई प्राइस रखेगा, फ्री मार्केट रखेगा, प्रॉफिट मोटिव रहेगा, कंपटीशन हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर है, ज्यादा इन्वेस्टर रहेंगे तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। और लेबर लेबर भी यहाँ पर इंटेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा क्योंकि जिसके पास स्किल रहेगा वो जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको परचेज करके वो ले जाएगा, स्किल लेबर जो रहेगा उनका मैनिपुलेशन भी यहाँ पर रहेगा। और फ्री टू चूज टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर यहाँ पर फ्री भी हो सकता है चूज करने के लिए, वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है वो भी यहाँ पर फ्री हो सकता है। और उसको डिसएडवांटेज देखेंगे तो जिसके पास सब पैसा ज्यादा रहा मतलब फाइनेंस ज्यादा रहा वो उसको मोनोपोली कर सकता है, कोई भी एक प्रोडक्ट पे वो मोनोपोली कर सकता है। और हाई प्रेशर ऑन कंज्यूमर, हाई प्रेशर कैसा आएगा कंज्यूमर, जैसे कि ये तो मोनोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया तो वो प्रोडक्ट को सबको चाहिए, सबको चाहिए तो क्या करेगा वो क्या होगा उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो परचेज करने के लिए जितना भी प्राइस है उसको देना पड़ेगा। तो वो जो लो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड होते हैं, उनको मिडिल स्टैंडर्ड होता है और लोअर स्टैंडर्ड होते हैं जो पीपुल होते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होगा वो यहाँ पर बाध्य हो जाएंगे, उनको प्रेशर आ जाएगा उसको परचेज करने के लिए। नो डिमांड, यहाँ पर डिमांड की बात ही नहीं हो रहा है क्योंकि जो इन्वेस्टर हो गया वो परचेज ऑलरेडी रिसोर्सेज को परचेज करने लेकर उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो उसका मर्जी वो प्राइस रखेगा। सोशल बेनिफिट, ये जो इन्वेस्टर हो गया वो क्यों देखेगा सोशल बेनिफिट हो, किसको फायदा हो, और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन यहाँ पर होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और यहाँ पर फ्री मार्केट भी रहेगा, फ्री मार्केट, फ्री मार्केट मतलब फ्री मार्केट ही हो गया, एडवांटेज हो गया। ओके ये हो गया कैपिटलिज्म हो गया, अभी देखेंगे सोशलिज्म, देखेंगे एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सोशलिज्म सोशलिज्म सोशल। सोशलिज्म में क्या होता है, देखिए सोशलिज्म में होता है यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट आर कंट्रोल टू ऑल रिसोर्सेस, गवर्नमेंट कंट्रोल कंट्रोल होता है यहाँ पर सभी को, जितने भी मेंबर्स होंगे जो सोसाइटी में मेंबर्स हो, स्टेट में जितने भी पीपल होंगे सबको सेम फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी टू ऑल ऑल। यहां पर रहेगा क्लास, रहेगा क्लास ऑफ मेंबर्स, और रिसोर्सेस लेबर लेबर कैपिटल रिसोर्सेस
के ऊपर कंट्रोल किससे रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कंट्रोल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और क्या रहेगा रिजल्ट, रिजल्ट है कम्युनिटी इनकम द स्टेट ओन्ड द फैक्ट्रीज मशीन, यहाँ पर सबको समान सेम फैसिलिटी मिलेगा। क्लास भी यहाँ पर क्लास ऑफ मेंबर रहेगा, जैसे कि जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा इनकम आ जाएगा इनकम आएगा तो वो हाई क्लास में आ जाएगा, जिसके पास कम इनकम आएगा वो लो क्लास में आएगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगा, जहाँ पर जो भी हो, लेबर हो, कैपिटल हो, रिसोर्सेस हो, प्रोडक्शन हो, मेटल हो, सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी हो वो सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। ओके, प्राइवेट एंटरप्राइजेस नो प्राइवेट इंटरप्राइजेस नो प्राइवेट इंटरवेंशन, यहाँ पर प्राइवेट इंटरवेंशन नहीं हो पाएगा। और क्या नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, ओके इक्वलाइज टू ऑल सिटीजन, ये यहाँ पर जितने भी सिटीजन होंगे सबको इक्वलाइज मिलेगा। ओके, अल्टीमेट गोल ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी डेवलपमेंट, सोसाइटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और रहेगा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड यहाँ पर जो वेल्थ रहेगा वेल्थ भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ओके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अपोज टू द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मानों को यहाँ पर अपोज होता है, वो यहाँ पर लिख लिया हमने। देखो ये हो गया उसका क्या बेनिफिट्स आ जाएगा, और डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, डिसएडवांटेजेस में देखो कंपैरिजन, यहाँ पर क्या होता है ना कंपटीशन, लेस ऑफ कंपटीशन आ जाएगा, नो नो कंपटीशन, नो कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता है ना सब कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो जो प्राइवेट प्लेयर आएगा यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर कोई नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा नो कंपटीशन आ जाएगा। और इकोनॉमिक एट सेंटर, इकोनॉमिक एट सेंटर रहेगा, सेंटर इकोनॉमिक एट सेंटर रहेगा, ओनली स्टेट का डेवलपमेंट हो, ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट रहेगा वो स्टेट का डेवलपमेंट ही चाहेगा, और प्रॉपर पीपल सिंगल वाइज सिंगल ग्रुप वाइज वो डेवलपमेंट वहां पर कुछ नहीं होगा, जिसका जो डेवलपमेंट करना चाहेगा वो कर पाएगा। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगा, सब यहाँ पर सब कुछ रहेगा, कंज्यूमर्स आर नॉट कंज्यूमर्स आर नॉट हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चॉइस, नॉट फ्रीडम टू चॉइस, ओके एवरी सिटीजन इज गारंटेड बेसिक नेसेसिटी, यहाँ पर क्या मिलेगा बेसिक नेसेसिटी मिल जाएगा, और इट सिटीजन्स आर अनेबल टू पोजेस एनी प्राइवेट प्लेयर, नॉट नॉट अलाउ, नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके नो नो प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा किसके पास। और क्या क्या नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, इट इनहिबिट्स द सिटीजन फ्रीडम, सिटीजन फ्रीडम को इनहिबिट भी करता है, क्योंकि सिटीजन जो 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 करना चाहेगा वो गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा, वो यहाँ पर फ्री फ्री कंपटीशन नहीं होता है, गवर्नमेंट का जो सिटीजन का राइट्स फुलफिल नहीं किया जाता है, जो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देगा उसी को वो एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से क्या जो सिटीजन होता है उसी को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोशलिस्ट सोसाइटी कौन सा होता है, एक एग्जांपल दो तो सोशलिस्ट सोसाइटी हम रूस, रूस का सोशलिज्म बोल सकते हैं, और कम्युनिस्ट किसको बोलते हैं, चाइना को बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी सिस्टम चलता है, और सोशलिज्म में क्या होता है ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्ट रहता है, और सोशलिज्म में वहाँ वो गवर्नमेंट का तो होता है, वहां पर कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का तो होता है, और वो पूरा कट्टर वाला होता है, जो कि यहाँ पर जो
पब्लिक रहेंगे, पब्लिक कुछ भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पर तो क्लासेस रहता है, सोशियोलॉजी में क्लासेस क्लासेस ऑफ पीपल मिलेंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट कम्युनिज्म में क्या नहीं मिलेगा, कुछ क्लासेस ऑफ पीपल नहीं मिलेगा, नो क्लास, ऑल आर इक्वल। और यहाँ पर तो ऑल आर इक्वल, बट वहां पर उनका जो इनकम होगा, उनके पास जो वेल्थ होगा, उनके पास जो जॉब होगा, वो सबके पास सेम ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्लासेस देखने आपको मिलेगा। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में थोड़ा सा अंतर है, जो कि यहाँ पर कम्युनिस्ट बेस्ड है वो कट्टर वाला है, यहाँ पर क्या होगा ये थोड़ा सा नरम आ जाएगा, जैसे कि क्योंकि वहां पर क्लासेस देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सोशलिज्म। ओके, फिर हम देखेंगे तो कम्युनिज्म देखेंगे। कम्युनिज्म में क्या होता है, इट इज फुल्ली स्टेट ओन्ड एंड कंट्रोल। कम्युनिज्म इन लेमैन जो होते हैं उनको कम्युनिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम। और यहाँ पर जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा वो उसको कंट्रोल करेगा। कम्युनिस्ट चाइना को हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री बोल सकते हैं। ये फुल्ली स्टेट ओन्ड, वो तो सोशलिज्म में क्या होता है ना, स्टेट तो उसको ओन करता है, बट वहां पर जो सिटीजन होता है वहां पर क्लास क्लास ऑफ सिटीजन रहता है। यहाँ पर नो क्लास सिटीजन रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, नो क्लास, इट्स फुल्ली स्टेट ओन्ड, फुल्ली स्टेट ओन्ड स्टेट और कम्युनिटी एंड कम्युनिटी। ओके, इन द लॉमैन लेमैन टर्म, लेमैन टर्म कौन कहते हैं, कम्युनिज्म इज द पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिज्म इज द पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, कम्युनिज्म लेमैन क्या बोला है, कम्युनिज्म इज द पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, गोल एलिमिनेट द सोशियो इकोनॉमिक क्लास, गोल टू एलिमिनेट सोशियो इकोनॉमिक क्लास। ओके, सो टू एलिमिनेट सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ऑल आर इक्वल, ऑल सिटीजन जेंट्स आर इक्वल राइट्स। नो डिमांड सप्लाई, यहाँ पर डिमांड सप्लाई की बात ही नहीं हो रही। कम्युनिटी कंट्रोल ऑल प्रॉपर्टी, कम्युनिटी क्या करता है, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करता है प्रॉपर्टी। कंट्रोल्स ऑल प्रॉपर्टी। ओके, कम्युनिटी कंट्रोल्स ऑल प्रॉपर्टी। प्लाटो और अरिस्टोटल डिस्कस द आंसर, जो कम्युनिस्ट सिस्टम है उसको कौन डिस्कशन कर रहा था, प्लाटो और अरिस्टोटल उसको एंशियंट टाइम में उसको डिस्कशन करते थे, बट उसको कौन लेकर आया था, कम्युनिस्ट को मार्क्सिज्म लेकर आया था, कार्ल मार्क्स। ये किसका देन था, कार्ल मार्क्स उसको लेकर आया था। कौन लेकर आया था, कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को लेकर आया था। उसको कौन सा बुक लिखा था, वो उसका बुक का नाम था क्या था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब लेकर आया था, 1848। ओके, कब लेकर आया था, 1848 में। कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट को लेकर आया था उसको कौन सी बुक में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। ओके, और इसके बारे में प्लाटो तो अरिस्टोटल उसके ऊपर बात करते थे, बट उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। वो आंसर टाइम में प्लाटो और अरिस्टोटल उसके ऊपर बात करते थे, बट
उसको कौन लेकर आया था, कार्ल मार्क्स लेकर आया था ना 1848 में, ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था। उसका देखेंगे तो डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ह्यूमैनिटी, यहाँ पर ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, लेस ह्यूमैनिटी, लेस ह्यूमैनिटी। और फिलोसफी डज नॉट एक्सप्लेन प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, बिजनेस को कैसे रन किया जाएगा उसके ऊपर कोई कोई रूल नहीं था, उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑन बिजनेस, नो कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस। ओके, नो कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस। ब्लैक ब्लैक यहाँ पर क्या होता है ना, चाइना में आपने सब जानते होंगे ब्लैक मार्केटिंग बहुत सारा होता है, ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना वो स्टेट बहुत सारा प्रोडक्शन कर देता है, वो जो स्टेट बहुत सारा प्रोडक्शन कर लेता है उसको सेल करने के लिए उसका उसके पास मार्केट ही नहीं होता है, उसका जो पीपल हो गया, उसका जो मेंबर हो गए वो क्या करेंगे ना, उसको प्रोडक्ट को ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, वो उनके देश में तो करेंगे, वो बाहर भी लाकर आकर भी करेंगे। अनएबल टू गैदर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कस्टमर का इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाएगा, अनएबल टू हो गया तक मोर इन्फॉर्मेशन, अनेबल टू गैदर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का कोई इंटरवेंशन नहीं था, पब्लिक कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर पब्लिक कुछ नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ओनली से जॉब करेगा, उसका जॉब जो होगा वो सब प्रोवाइड करेगा, और जॉब प्रोवाइड करेगा तो क्या करेगा वो, के सिर्फ प्रोडक्शन कैसे होगा उसको पता होगा, वो सेल कैसे होगा वो पता नहीं होगा, सेल सेल के लिए कोई रूल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन बात कर रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहेगा, गवर्नमेंट वेलफेयर देखेगा, गवर्नमेंट वेल्थ देखेगा, एजुकेशन देखेगा। हाँ, ये है कि बेनिफिट यहाँ पर होता है सबको, फ्री एजुकेशन मिलता है यहाँ पर, सबको क्या मिलता है, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन सबको मिल जाएगा यहाँ पर। और जो चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर यहाँ पर, नो चाइल्ड, आपको यहाँ पर चाइल्ड लेबर देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर आपको चाइल्ड लेबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, द रूलिंग पार्टी एक्सप्लोइट्स द एस्टेब्लिश, जो रूलिंग पार्टी रहेगा वो जो उसको पब्लिक को क्या करेगा, एक्सप्लोइट करेगा, एक्सप्लोइट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑटोटेरियन रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, ये सब रहेगा, ऑटोटेरियन मतलब जो कि जो गवर्नमेंट आ गया वो उसी के हिसाब से उसको चलेगा, उसको हिसाब से सबको जो रूल करेगा वो उसी के रूल को, रूल के हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोटेरियन हम बोल सकते हैं उसको, ये हो गया हमारा कम्युनिस्ट। देखो कम्युनिस्ट में क्या होता है, फुल्ली स्टेट ओन्ड और कंट्रोल होता है, फुल्ली स्टेट ओन्ड और कंट्रोल होता है, यहाँ पर फ्री ऑफ एजुकेशन होता है, जो लैंग्वेज होता है, सिस्टम लेमैन के हिसाब से उसका नाम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इज द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चलाता है, तो इसीलिए उसको कम्युनिस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम उसको बोला गया लेमैन के हिसाब से। टू एलिमिनेट सोशियो इकोनॉमिक क्लास, क्योंकि हम सोशियो जो सोशलिस्ट सिस्टम में देखे थे वहां पर सोशल क्लासेस आपको देखने मिल रहा था, बट यहाँ पर क्या हो गया, कम्युनिस्ट में सोशल जो क्लासेस था उसको हटाने के लिए ये बोल रहा है, क्योंकि जो जो जितना बड़ा भी पोस्ट में बैठा हुआ ना उसको भी जितना सैलरी हो और नीचे जो है उसको भी सेम सैलरी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब जॉब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वहां पर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ पर वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सब कुछ सबको समान लिया जाता है, सबके पास समान प्रॉपर्टी रहेगा, किसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, जो जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का ओनर कौन रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी जो रहेगा वो उसका ओनर रहेगा, जो उद्देश्य होगा वो उसी हिसाब से सबके लिए सेम रहेगा, इसलिए वो कम्युनिस्ट हो गया। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल राइट्स, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल राइट, कम्युनिटी कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टी। ओके, कार्ल मार्क्स जो था वो ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया था, वो कब लेकर आया था, 1848 में लाया था, उसको बुक्स जो कम्युनिस्ट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक्स में वो ये सब कुछ लिखा था। और यहाँ पर
ह्यूमैनिटी ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा वो उसके ऊपर कुछ नहीं है, और बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाएगा उसी के ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं है, और मार्केटिंग मार्केटिंग को कैसे फ्लेक्सिबल मार्केटिंग हो सकता है उसके ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं, इसलिए यहाँ पर ब्लैक मार्केट के देखने के लिए मिलता है। अनेबल टू गैदर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और कस्टमर डेवलपमेंट होगा मतलब कंज्यूमर जो रहेगा उसका डेवलपमेंट कैसे रहेगा, उसको उसका जरूरत क्या है, वो कैसे मिलेगा, डाटा कहाँ से मिलेगा, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, इसलिए ये सब हो गया क्या उसका डिसएडवांटेज से हो गया कम्युनिस्ट का। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे अभी फ्री मार्केट, देखेंगे फ्री मार्केट आपको कहाँ पर देखना पड़ेगा, इंडिया में देखना पड़ेगा क्योंकि देखने के लिए आपको मिल जाएगा। फ्री मार्केट में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको सोशलिस्ट ही मिलेगा और कैपिटलिस्ट ही मिलेगा, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट जहाँ पर मिलेगा दोनों जहाँ पर मिल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री मार्केट बोलेंगे, क्योंकि फ्री एंट्री यहाँ पर जिसके पास कैपिटल आ गया वो इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करेगा, पब्लिक भी इन्वेस्टमेंट करेगा, सबका ख्याल रखा जाएगा, सबको समान राइट मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लास देखने मिलेगा, आपको लेस भी देखने मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी में मिलेगा, फ्री मार्केट मार्केट इकोनॉमी एग्जाम्पल इंडिया। ओके फ्री मार्केट इकोनॉमी आपको कहां पर देखने मिलेगा, इंडिया में देखने मिलेगा, यहां पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ये फ्री मतलब है यहां पर क्या है, फ्री मतलब हम हमारे इंडिया में जो भी रिसोर्सेस है उसको जो चाहेगा वो ले सकता है, गवर्नमेंट भी ले सकता है और प्राइवेट भी ले सकता है, कोई छोटा छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो गवर्नमेंट हो यहाँ पर कोई डिस्पैरिटी नहीं है, सबके लिए फ्री रहता है, सब कोई भी आकर यहाँ पर इंटरवेंशन कर सकता है, और यहाँ पर जो होता है गवर्नमेंट 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 प्लस पब्लिक, गवर्नमेंट प्लस पब्लिक इंटरप्राइजेस आप लोगों को देखने मिलेगा, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर मिलेगा, पब्लिक सेक्टर मिलेगा, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट और मिक्स मिक्स मिलेगा, मिक्स सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ओके फ्री मार्केट में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से सेल कर सकते हो, डिमांड डिमांड सप्लाई आपको देखना पड़ेगा, डिमांड डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर हर टाइप का मार्केट देखने मिलेगा, जैसे कि फ्री कंपटीशन, फ्री कंपटीशन, मोनोपोली मोनोपोली मिलेगा, ओलिगोपोली मिलेगा, ओलिगोपोली बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मिलेगा, ओके ये सब आपको यहाँ पर फ्री मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके देखो क्या मिल जाएगा, फ्री मार्केट आपको कौन सी कंट्री मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, फ्री हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस सबके पास सबके समान राइट ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेस होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने पहले हमको क्या मिलता है, एक टेंडर निकलता है, टेंडर गवर्नमेंट उसको टेंडर निकालता है, जो गवर्नमेंट कंपनी चाहेगा उसको टेंडर के हिसाब से रूल फिल करेगा, लोन ले जाएगा, कोई प्राइवेट हो तो टेंडर फुलफिल करेगा वो ले जाएगा, जिसके पास रिसोर्सेस लेने के लिए ताकत होगा मतलब कैपिटल हो क्या लेबर हो जिसके जो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा वो ले जाएगा, और गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट एंटिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिक्स सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर ये सब आपको दिखने मिलेगा, इतने सारे मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, डिमांड सप्लाई तो मिलेगा, ओवरऑल मिलेगा ही मिलेगा, और फ्री कंपटीशन मिलेगा आपको, मोनोपोली ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके और कुछ मिलेगा, बहुत कुछ पब्लिक इंटरवेंशन मिलेगा यहाँ पर,
पब्लिक इंटरवेंशन पर, नेशन ग्रोथ मिलेगा, नेशन प्लस पब्लिक ग्रोथ। सबका ग्रोथ यहां पर दिखा जाता है। और क्या बोला, कंपटीशन, कंपटीशन मिलेगा और वेल्थ, वेल्थ डेवलपमेंट मिल जाएगा। ये सब आपको फ्री मार्केट में मिल जाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहता। हम यहाँ पर 3-4 कंसेप्ट पढ़ लिए, हो गया। इकोनॉमिक, इकोनॉमी का जो मार्केट इकोनॉमी था उसको हम यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।